वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफाइंड नेम्स की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट टू डिफाइंड नेम्स के अंदर मैं सेल की रेंज को एक नाम दे दूंगा एक्सेल के अंदर फार्मूला टाइप के अंदर एक कैटेगरी दी गई है डिफाइंड नेम्स इस डिफाइंड नेम के अंदर देर आर डिफरेंट टूल्स गिवन टू आस डिफाइंड नेम नेम मैनेजर यूज इन फार्मूला क्रिएट from सिलेक्शन हम इन डिफरेंट टूल्स को अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर यूज करेंगे लेकिन एक्सेल के अंदर डिफाइंड नेम्स कैटेगरी का फंक्शन क्या है जब हम एक्सेल के अंदर किसी बड़े डेटा के ऊपर काम करते हैं तो हमें किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार डेटा रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है अगर ये डेटा रेंज काफ़ी बड़ी है तो हमें बार बार इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल करना पड़ता है इससे एक तो टाइम की वेस्टेज होती है और दूसरा इसके अंदर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारा टाइम भी बच जाए और हमसे कोई गलती भी ना हो इसके लिए हम डिफाइंड नेम्स टूल का इस्तेमाल करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर सेल रेंज को एक नाम दे दें तो हम उस सेल रेंज के नाम को डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं मैं इसी डिफाइंड नेम्स के एग्जाम्पल को आपके सामने टेकअप कर रहा हूं इस एक्सेल शीट के ऊपर मैं डिफाइंड नेम्स को टेकअप करूंगा यहां पर मेरे पास बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है यह सारी इंफॉर्मेशन मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2020 ट्वेंटी की साइट से ली है इस इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे पास तीन कॉलम्स दिए गए हैं रैंक कंट्री नेम एंड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स मिलियन डॉलर्स मेरे पास यहाँ पर 194 कंट्रीज का जीडीपी दिया गया है आप देख सकते हैं कि यह लिस्ट बहुत लंबी है अगर मुझसे ये कहा जाए कि आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये जीडीपी की लिस्ट बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करनी पड़ेगी जिससे गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और टाइम वेस्टेज भी पॉसिबल है मैं इस सारी की सारी लिस्ट को यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं और पूरी की पूरी सेल रेंज को मैं एक नाम दे दूंगा मैंने ये वन हंड्रेड फोर कंट्रीज की कंप्लीट सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया नाउ आई गो टू डिफाइन नेम्स डिफाइन नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आप यहां पर क्या नाम इसका रखना चाहते हैं मैं यहां पर इस पर्टिकुलर रेंज का नाम रखना चाहता हूं जी डी पी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्कोप के केस के अंदर अगर हम चाहें तो इसको अपनी डिफाइंड नेम टू की शीट के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको वर्क बुक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं मैं इसको पूरी वर्क बुक के ऊपर अप्लाई करूंगा इसलिए मैंने वर्क बुक के ऊपर क्लिक कर दिया इट रेफर्स टू टू के अंदर हमें ये कंप्लीट सेल की रेंज दी गई है जो कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दी है आई से ओके मैंने जैसे ही ओके okay किया आप नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं जीडीपी नाम आ गया इट मींस कि इस पर्टिकुलर सेल रेंज को एक नाम दे दिया गया है अब मैं डिफरेंट फंक्शंस को यहां पर टेकअप कर रहा हूं नंबर ऑफ कंट्रीज मुझे जानने हैं कि यहां पर कितने दिए गए हैं इसके लिए मैं काउंट फंक्शन को टेकअप करूंगा काउंट फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट के अंदर मेरे पास ये कंप्लीट रेंज है लेकिन रेंज के लिए तो मुझे इसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता मैंने इस पूरी रेंज को एक नाम दे दिया जीडीपी सो so, मैं आर्गूमेंट के अंदर भी इसी रेंज का नाम पास करता हूँ जैसे ही मैंने जी लिखा टूल टिप के अंदर मेरे पास जी आ गया मैंने इसी पर क्लिक कर दिया आई क्लोज पेरेंथिस आई प्रेस एंट्रम जैसे ही मैंने एंटरप्रेस किया आप यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर वन नाइन्टी फोर मैं यहां पर नीचे जाता हूँ तो नंबर ऑफ कंट्रीज आर वन नाइन्टी फोर हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूँ दनिक से सम मुझे डिफरेंट कंट्रीज के जी डी पी का सम चाहिए टू सम को निकालने के लिए मैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जी की रेंज को नहीं दूंगा इस सम को कैलकुलेट करने के लिए अब मैं यहां पर आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर जीडीपी दे दूंगा पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेसेंटर मैंने यहां पर जैसे ही प्रेस किया मेरे पास पूरे वर्ल्ड का जीडीपी निकल कर आ गया आप इस जीडीपी के सम को ये वर्ल्ड के जीडीपी के साथ मैच कर सकते हैं आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट मीन मुझे 194 कंट्रीज के जीडीपी का एवरेज कैलकुलेट करना है सो आई राइट द फंक्शन एवरेज और पेरेंथीसिस के अंदर मैं इस पूरी की पूरी नेम्ड रेंज को दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ जी डी पी आई क्लोज पेरेंथिस आई प्रेसेंट मेरे पास 194 कंट्रीज के जीडीपी का एवरेज आ गया दनिक्स इज मीडियन मीडियन के केस के अंदर हमारे पास फंक्शन नेम इज मीडियन मैंने यहाँ पर भी पेरेंथिस के स्टार्ट होने के बाद नेम्ड रेंज को दे दिया दैट इज जी डी पी आई प्रेसेंट पास मीडियन वैल्यू आ गई दनिक्स इज मिनिमम नंबर इसके लिए मैं मिन फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ मिन फंक्शन के अंदर भी मैंने नेम्ड रेंज को दे दिया दैट इज जी डी पी क्लोज आई हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर देता हुआ चल रहा हूँ मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ क्या ये किसी भी कंट्री का 45 मिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है इसके लिए मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूं देर इज वन कंट्री विच एज ए जी डी पी ऑफ फोर्टी फाइव दैक्सिम जी डी पी इसके लिए मैं मैक्स के फंक्शन को यूज करूंगा मैक्स आर्गुमेंट के अंदर मैंने नेम रेंज दे दी दैट इज जीडीपी मेरे पास यहां पर मैक्सिमम जीडीपी आ गया आप यूनाइटेड स्टेट्स के जीडीपी के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं अब मुझे इस पूरी रेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एस टी डी ई वी मैंने सिंपल स्टैंडर्ड एविएशन को टेकअप किया और आर्गूमेंट के अंदर मैं नेम रेंज दे देता जी डी पी आई प्रेस रन मेरे पास स्टैंडर्ड एविएशन इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यहां पर निकल कर आ गया देंज रेंज के अंदर मैं ये देखना चाहता हूं मिनिमम और मैक्सिमम जी डी पी के अंदर कितना डिफरेंस है इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा

रेंज को एक नाम दे दिया इस नेम रेंज के नाम को मैं किसी भी फंक्शन के अंदर जब भी यूज करूंगा तो वो फंक्शन मुझे उस नेम रेंज के अकॉर्डिंगली सारे रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा एक्सेल के इस पर्टिकुलर फंक्शन ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको डिफाइंड नेम्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत बड़ी मदद करेगा थैंक यू वेरी मच